हेलो, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से सड़क 2 आई है उसको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक कर दिया है। इसको देख करके पूरी भट्ट फैमिली जो है वो बिल्कुल कोमे में चली गई है। मैं आपको बता दूं कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ अभी रह रही थी, लेकिन जब से इनको ये पता चला कि मेरी मूवी को 10 मिलियन लोगों ने डिसलाइक करा है, तो रणबीर कपूर भी अपने आप को अनसेफ फील करने लगे कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी पब्लिक लोगों का ट्रॉल सहना पड़ेगा। जिस कारण से दोनों में मन मुटाव हुआ और आलिया भट्ट अपने घर को निकल गई, छुपते छुपाते अपने घर किसी तरह वो आती हैं। सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि आलिया भट्ट अभी घर से कहीं निकल नहीं रही हैं। पब्लिक का रिएक्शन देख करके महेश भट्ट की जो है वो बोलती बंद हो चुकी है, वो कुछ बोलने लायक नहीं है कि मैं इस समाज में क्या बोलूं और मैं अपने मूवी का रिव्यू क्या करूं। जब से लिविंग रिलेशनशिप में आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ रह रही थी, तो रणबीर कपूर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि रणबीर कपूर ने कितने लोगों के साथ फ्लर्ट किया है। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, न जाने कितने सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया, और अब आलिया भट्ट की बारी है। दोस्तों, जब से महेश भट्ट की मूवी आई है सड़क 2, सारी पब्लिक इतनी गंदी गंदी रिव्यू दे रही है, जिस कारण से महेश भट्ट की जो है वो बोलती बंद हो चुकी है और उनको अपनी जो औकात है वो समझ में आ गई है। यूट्यूब की पूरी टीम कंफ्यूज है कि कहीं कोडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, सर्वर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कि ये ऐसा कौन सी मूवी है, कि ऐसा कौन सा ठरकी बुड्ढा है कि लाइक के जगह पे इतने सारे डिसलाइक मिले। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये मूवी ही वाहियात है। इन्होंने, इस इंसान ने पूरे इंडिया से लेकर के अमेरिका USA तक को हिला के रख दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूजा भट्ट, कोई भी, इनकी पूरी फैमिली घर से निकलने से डर रही हैं, क्योंकि इतनी गंदी मूवी बनाने के बाद, इतना गंदा रिव्यू करने के बाद इस मूवी का, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, इतना गट्स नहीं है कि वो पब्लिक के सामने आएं और मीडिया के सामने आकर के इस फिल्म का प्रमोशन करें। पूजा भट्ट ने ये भी कहा है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है और हर सिक्के में या तो लाइक करे या डिसलाइक करे, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे इस मूवी के ट्रेलर को ट्रेंडिंग में लाया। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि 28 अगस्त को मूवी आ रही है ना आपकी, पब्लिक आपके मूवी पे थूकने भी नहीं जाएगी। और ट्रेलर अभी आई है ना, तो ट्रेलर पे गुस्सा दिखा है। इसका मतलब ये है कि ट्रेलर जो होता है वो फर्स्ट लॉन्चिंग होता है। जब उसको इतना धिक्कार, इतना लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, तो जब मूवी आएगी तो आप क्या सोच रहे हो कि आपकी मूवी को प्यार मिल जाएगा? नहीं। आज तक का सबसे बड़ा सुपर डुपर फ्लॉप मूवी बनने वाली है सड़क 2। महेश भट्ट को इस मूवी को बनाने के बाद ये समझ में आ गया है कि मूवी आने के बाद कोई भी पब्लिक इस मूवी पे थूकने भी नहीं जाएगी। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे लोगों की मूवी को बायकॉट करने की ज़रूरत है। जो लोग भी हमारे देश की संस्कृति को गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी और हमारी अथॉरिटी बनती है कि हम उस मूवी का बहिष्कार करें, इस समाज से उसको दूर करें, ताकि हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो पूरी तरह से बचे और हम और आप फिर से इस भारत देश में एक अच्छे मूवी का, एक अच्छे चलचित्र का आगमन हो, और जितने भी बुराई और गंदगी इन सारे लोगों ने फैलाया है भारत देश में, कहा जाता है हमारा देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन उन सब चीज़ों को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, और ऋषि मुनि को तो ये लोग अपने मूवी में मजाक के पात्र बना करके दिखाते हैं। तो किस तरह से हमारे हिंदू समाज को, हमारे भारतीय संस्कृति को इन लोगों ने एक मजाक बना करके रख दिया और फिल्मों के थ्रू इन सब को ख़त्म करने की कोशिश की। तो आज बहुत ज़रूरत है ऐसी मूवी को, सड़क 2 को सड़क 2 बनाने की। दोस्तों, हमारा एक अदर चैनल है, आप लोगों का बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उसको रिलेटेड लेकर के हमने एक यूथ चेंज नाम का एक चैनल क्रिएट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चैनल का। आप वहां जा कर के, आपके अगर मन में कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर उससे पूछें, मैं आपको वीडियो के थ्रू उस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए ही वो चैनल क्रिएट किया है। और आप लोग वहां जाकर के कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जेन्युइन लगा आपका कमेंट, तो मैं उस कमेंट पे आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, फिर एक नई सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, आपका जीवन सफल हो, मंगल हो, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।